नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एडिटिव इन्वर्स। क्या होता है एडिटिव इन्वर्स? एडिटिव इन्वर्स ये नंबर होता है जिसमें किसी भी नंबर के अपोजिट साइन से अगर उसको ऐड कर दिया जाए, किसी भी नंबर को उसके अपोजिट साइन से अगर ऐड कर दिया जाए तो उनका सम क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ओनली चेंज द साइन ऑफ रैशनल नंबर, ओनली चेंज द साइन ऑफ रैशनल नंबर। अगर हमें 5 का एडिट इन्वर्स निकालना हो तो क्या होगा, -5। -4 का निकालना हो तो क्या होगा, +4। कहने का मतलब जब भी हम एडिट इन्वर्स की बात करेंगे तो केवल उसके साइन को चेंज कर देंगे, और जब हम उसे कन्फर्म करना होगा कि हमने ये जो किया है वो सही है या गलत है तो उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। उनको ऐड करने पर अगर अपना आंसर जीरो आता हो तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है 4/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, -4/7। आ रही बात समझ में? अगर आपको पूछ लिया जाए -3/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 3/2। कहने का मतलब आपको केवल और केवल साइन को चेंज करना है। क्या करना है, साइन को चेंज करना है, और अगर उसे कंफर्म करना है कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है तो क्या करेंगे। जैसे 3 नंबर है, इसका एडिट इन्वर्स क्या होता है, -3। तो इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर अगर अपना आंसर जीरो आता है तो सही है, वरना सही नहीं है। तो चेक करते हैं 3 का, 3 प्लस माइनस, -3 -3। आप सबको पता है कि 3 में से 3 क्या बचेगा, 0। तो 0 0 के इक्वल हो चुका है, इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नाम से स्पष्ट है, मल्टीप्लाई का इन्वर्स करना, उसका उल्टा करना, उसका रेसिप्रोकल करना। तो देखते हैं, पढ़ते हैं हम क्या होता है। ओनली रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, क्या करना है, जो रैशनल नंबर अपने को गिवन है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, उसका उल्टा करना है। अगर हिंदी में बात करें तो उसका व्युत्क्रम करना है। तो देखते हैं एक बार, अगर नंबर दे रखा हो 2 तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। अगर नंबर दे रखा हो 7 तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7। अगर नंबर दे रखा हो 2/3, क्या नंबर दे रखा हो, 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाता है, तो बच्चे यहाँ पर गलती से अपनी अंडरस्टैंडिंग न करके यहाँ पर उसका एडिटिव इन्वर्स कर देते हैं। तो प्लीज़ इन बातों को ध्यान रखना है। दोबारा देखते हैं एक बार, अगर नंबर दे रखा है -7 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/7। क्या होगा, -1/7। अगर नंबर दे रखा है -7/-8 तो क्या होगा, सबसे पहले जब भी माइनस आ जाए या -2 बार आ जाए या डिनोमिनेटर दोनों में आ जाए तो क्या करते हैं, पहले उनको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ -, क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका, 7/8, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/7। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को और। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर नंबर दे रखा हो आपके पास केवल a, तो a का क्या होगा, 1/a। तो एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि एडिटिव इन्वर्स में केवल साइन चेंज करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उसके रेसिप्रोकल करना है, उस नंबर का रेसिप्रोकल करना है। तो जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी को चेक किया था कि अपने जो क्वेश्चन किया वो सही है या गलत, वैसे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव में भी ऐसा क्वेश्चन चेक करेंगे। तो देखते हैं, अगर नंबर था 3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3। तो उसमें ऐड करके चेक किया था कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, या मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको समझ में आ गया होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो रिमाइंडिंग आंसर क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब
यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे जो आपने एक बेसिक मेथड निकाला है वो क्या है, सही है। आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन हो -2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/-2। तो आपको पता लग गया होगा कि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको सबको कि जब भी सेम नंबर के साइन, जब भी 5 और 5 दो नंबर सेम हो और अगर प्लस माइनस में हो और जब भी उनको कैंसिल आउट किया जाता है तो आंसर क्या बचता है, 0। लेकिन अगर नंबर 5 हो और नीचे भी क्या हो, 5 हो, तो उसका आंसर क्या आता है, 1। आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने ऐसे कैसे कह दिया। बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में कैंसिल आउट का एक गलत नियम निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा -3+3 और मैंने कह दिया इसको काट दो, तो बच्चों ने काट दिया, आंसर क्या दे दिया, 0। मैंने फिर कहा 3/3, इसको भी काट दो, तो बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर भी क्या देते हैं, 0, जो कि एकदम गलत है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 1। इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को आपके लिए समझाया है। तो आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन डिटरमिनेशन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, कहने का मतलब उन दो नंबर्स सॉरी यदि आपको दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, यदि आपको दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, उन दो रैशनल नंबर के बीच में आपको बहुत सारे या more than 2, more than 3, more than 1 अगर रैशनल नंबर निकालने को कहा जाए, तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे। तो इसको निकालने के हमारे पास दो मेथड है और दूसरे मेथड का एक और पार्ट भी है, तो हम इसको बात करना स्टार्ट करें। उससे पहले इसी को पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला मेथड है, इस मेथड का नाम है एवरेज या अर्थमेटिक मीन मेथड। क्या नाम है, एवरेज या अर्थमेटिक मीन मेथड। देखो बच्चों आपने नाम सुन रखा होगा एवरेज मेथड, क्या होता है एवरेज मेथड, हमने बहुत बार पढ़ा है। एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ डेटा, क्या होता है सम ऑफ डेटा, क्या होता है सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, क्या होता है सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो यदि हमें किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे या मोर देन वन या वन रैशनल नंबर निकालना हो तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, लेकिन ये मेथड कभी कभी लेंदी भी हो जाता है। लेकिन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन दे रखा है आपके पास फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 और 3 के बीच में अगर होल नंबर पूछा जाए तो होल नंबर आप बता ही नहीं सकते, आप नेचुरल नंबर बता ही नहीं सकते, आप इंटीजर बता ही नहीं सकते, लेकिन आप रैशनल नंबर ज़रूर बता सकते हैं। तो इससे पहले हम रैशनल नंबर को स्टार्ट करें, रैशनल नंबर का एक मीनिंग समझते हैं, देखते हैं। तो रैशनल नंबर का मीनिंग समझते हैं हम। तो सबसे पहले देखो नाम से स्पष्ट है, RATIONAL, रैशनल। तो अगर हम रैशनल की बात करें तो यहां पर रैशनल किससे मिलके बना है, रेशियो से मिलके बना है, किससे मिलके बना है, रेशियो से। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा नंबर जैसे 2:3 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/3। हमने पहले वीडियो में भी बात कर रखी है, यदि आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार पहले पार्ट को जाकर जरूर देखें, उससे हमें समझने में आसानी होगी। कहने का मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर या ऐसा कोई भी नंबर जो रेशियो फॉर्म में हो, जो अपॉन फॉर्म में हो, क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसी कारण से 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, लेकिन हमें कितने निकालने हैं, केवल 2 और 2 निकालने हैं। तो आगे पढ़ते हैं, देखें सबसे पहले क्या करेंगे, 2+3/2। सर कैसे किया आपने, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर हमें दो नंबर निकालने हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3। दो नंबर निकालने हैं तो दो बॉक्स यहाँ पर बीच में बना देंगे, क्या बना देंगे, दो बॉक्स बीच में बना देंगे। मैंने भी बॉक्स बना रखे हैं लेकिन मैंने नंबर उसके अंदर फिल कर दिए हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। देखते हैं, तो उन दो बॉक्स को बना दिया गया है। आपने एवरेज का एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने बोला भी था आपको, एवरेज क्या होता है,
सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा मतलब एक नंबर टू दे रखा है और एक नंबर थ्री दे रखा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। टोटल नंबर कितने हैं, वन और वन टू नंबर, एक टू है और एक थ्री है। तो क्या करेंगे, एक बार टू प्लस थ्री अपॉन टू, तो क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन टू। तो एक नंबर आपके पास आ चुका है जो मैंने इस बॉक्स में लिख दिया है। हमें एक और नंबर निकालना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखें अब इन दो नंबर्स के बीच में हम एक और नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं इन दो नंबर्स को लिख देता हूँ, अपॉन दो नंबर कितने रहेंगे, हमेशा दो ही रहेंगे। तो सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो इस बार हमें क्या करता हूँ, फाइव अपॉन टू प्लस थ्री ओवर टू। तो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेना गलत नहीं है लेकिन हमें टाइम को बचाना है। एक बात और सीखें इससे पहले, अगर नंबर दे रखा हो थ्री बाई टू अपॉन फोर, तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये रियल में क्या है, थ्री प्लस टू अपॉन फोर है। क्या है, थ्री प्लस टू अपॉन फोर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका पता है मुझे, यहाँ पर इस फोर को थ्री से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, और मल्टीप्लाई क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, तो ये क्या बन जाएगा नंबर पूरा, फोर्टीन अपॉन फोर। आई बात समझ में, तो क्या बन जाएगा नंबर, फोर्टीन अपॉन फोर बन जाएगा। यहाँ पर भी यही काम करते हैं, अगर यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ इन नंबर्स का तो क्या बनता है, एक बार देखते हैं, थ्री अपॉन वन प्लस टू अपॉन फोर, तो क्या आएगा इसका एलसीएम, फोर। एलसीएम में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं, तो इस फोर में इस वन का क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा। तो फोर में वन फोर टाइम जाएगा, और जितने टाइम जाता है उस फोर को क्या करनी है, इस थ्री से मल्टीप्लाई करनी है। तो फोर थ्री जा क्या हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ ना आए तो कृपया वीडियो को दोबारा देखें। अब यहाँ पर सेम वर्क करेंगे, इस फोर में इस फोर का डिवाइड करेंगे, फोर में जब फोर का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये वन टाइम जाएगा। इस वन टाइम को क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई करना है। तो टू वन जा टू हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू। तो ट्वेल्व प्लस टू अपॉन फोर क्या हो जाएगा, फोर्टीन अपॉन फोर। तो देखा आपने दोनों कंडीशन में आंसर क्या है आपका, फोर्टीन अपॉन फोर। तो इसी मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बड़ा ना करके। तो क्या था, फाइव अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू, तो क्या करेंगे, इस टू को मैं थ्री से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें ये फाइव ऐड कर दूंगा। तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, तो क्या बन गया नंबर, इलेवन अपॉन टू, और यहाँ पर ये टू एज इट इज पड़ा है। तो देखते हैं आगे, ये नंबर आपका आ गया इलेवन अपॉन टू अपॉन टू। अब क्या करेंगे, जब नंबर के नीचे नंबर आ जाए तो यहाँ पर बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को इजीली हम सॉल्व करते हैं। जैसे नंबर है इलेवन अपॉन टू अपॉन टू, तो देखो इलेवन अपॉन टू तो एज इट इज पड़ा है, इसके नीचे वाला नंबर नहीं है आपके पास, तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, वन होता है। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता तो उसका मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, उसके अपॉन में वन होता है। तो नंबर को क्या करना है अपने को, वन टू थ्री एंड फोर अपॉन अपॉन फॉर्म में कर लेना है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट टू नंबर को सेम लिखते हैं एंड लास्ट टू नंबर का रेसिप्रोकल करके लिखा जाता है। अब आपको पूछ रहे होंगे कि हम रेसिप्रोकल करके क्यों लिखें, तो इस बात को आपको मैं इजीली समझा देता हूँ। तो एक बार देखते हैं, नंबर क्या है 11 अपॉन 2, इसमें डिवाइड करना है रियल में, किसका करना है, 2 अपॉन 1 का। और आपको पता होगा कि जब भी डिवाइड का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। तो इसी कारण से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली उसका रेसिप्रोकल कर दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 11 अपॉन 11, 11 वन जा 11 एंड 2 टू जा 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दो नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, तो नंबर्स क्या हो गएंगे आपके, एक तो 5 अपॉन 2 और एक 11 अपॉन 4। थैंक यू। यहाँ पर क्वेश्चन सेम था, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो यहाँ पर आपके पास, जैसे यहाँ पर आपके 2 अपॉन 1 था और 3 अपॉन 1 था, कहने का मतलब डिनोमिनेटर क्या था आपका, यहाँ पर सेम था। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक बार इस मेथड को देखते हैं। इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या करते हैं,
और डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तब क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है एक 2/3 और एक 4/3, तो उन दो नंबर्स को पहले यहाँ पर लिख लेंगे 2/3 एंड 4/3। यहाँ पर देखो मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10, यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है और 10 से ही डिवाइड किया है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से ही डिवाइड करें, यहाँ पर आप किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई, जिस जितने नंबर हमें फाइंड आउट करना है उससे ज़्यादा नंबर की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो अब आप पूछ रहे हो सर 10 से क्या किया, 10 से इसलिए किया कि मल्टीप्लाई डिवाइड इजी हो जाएंगे। आंसर इस इन टाइप्स के क्वेश्चंस में, इस टाइप्स के क्वेश्चन में आंसर हमारा बुक के जैसा आए ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि किन्हीं भी टू रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो हो सकता है बुक वाले ने कुछ अलग लिखा हो और हमने कुछ अलग लिखा हो। तो देखते हैं एक बार हमने क्या किया, इस 2/3 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। सिमिलरली हम इसी में भी क्या करेंगे, 4/3 में भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा, 4 10 जा 40 एंड 3 10 जा 30 और इधर 2 10 जा 20 एंड 3 10 जा 30 हो जाएगा। अब हमें 20/30 एंड 40/30 के बीच में क्या निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर। तो आपको पता होगा कि 20 और 40 के बीच में अगर काउंटिंग देखें, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, अगर काउंटिंग देखें तो 19 नंबर्स इनके बीच में अवेलेबल है। तो हमें इनमें से कोई भी 3 नंबर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य में आते हो, उन्हें हमने को लेना है। तो देखे होंगे 20 और 40 के बीच में 21/30, 22/30 एंड 23/30, तो हमने कोई 3 नंबर ले लिए। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तब हम क्या करेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें। तो आगे बढ़ते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करते हैं, फर्स्ट डू सेम द डिनोमिनेटर बाई टेकिंग एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर। किससे क्या करते हैं, एलसीएम लेकर। तो देखते हैं हम एलसीएम लेकर करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 2/3 एंड 4/7, क्या क्वेश्चन है, 2/3 एंड 4/7, यहाँ पे हम कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो एल, कभी कभी देखो एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, मेरा मकसद यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन को रटा देना या क्वेश्चन को सॉल्व करा देना नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें भी हम यहाँ पर सीखते चलेंगे। तो देखते हैं एक बार, जैसे हमें 3 और 7 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो बच्चे इस वर्ग को क्या कह देते हैं, एलसीएम कह देते हैं। देखो बच्चों ये एलसीएम नहीं है, ये एलसीएम लेने का एक तरीका है। क्या है, एलसीएम लेने का एक तरीका है। तो इस तरीका का एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम दिया गया है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों, तो देखो बच्चों एक बात पढ़ते हैं हम यहाँ पर, प्राइम नंबर, नाम क्या दिया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे पहले मैं जानना होगा प्राइम नंबर आखिर होता क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए। अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली वन एंड इट्सेल्फ, क्या होगा, एंड इट्सेल्फ, ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए, ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखते हैं हम लेते हैं प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर 2 से चेक करेंगे पहले, क्योंकि 2 अपना क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड यहाँ पर नहीं होगा, तो कैसे करेंगे, 3 से, 3 से वन टाइम और 7 एज इट इज, फिर करेंगे 7 से वन टाइम और वन टाइम। तो यहाँ पर जितने भी नंबर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, इस बात का ध्यान होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर कर रखा है तो 3 और 7। तो एलसीएम क्या होता है, इन प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, इन प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है हमारा, एलसीएम कहलाता है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसका एलसीएम जो कितना आ चुका है, 20
वन, इसको यहाँ क्या लिख दिया मैंने 21 लिख चुका हूँ मैं यहाँ पर। अब क्या, अब एलसीएम लेते कैसे हैं, क्या करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। तो 3 में 21 का क्या करना है, डिवाइड करना है, इस 3 में 21 का डिवाइड करना है। तो 3 की टेबल बोलेंगे हम जब तक 21 ना आ जाए। तो आपको पता होगा कि 3 की टेबल में 21 7 टाइम्स आता है, कितनी बार आता है 7 टाइम्स। इस 7 की यहाँ क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 टू जा 14, वेरी गुड। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 7 की टेबल बोलनी है, कितनी बार आएगा 21, इस बार टेबल में 3 टाइम्स आएगा, तो कितनी बार आया 3। अब इस 3 को क्या करना है यहाँ पर, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 4 जा क्या हो गया यहाँ पर 12 हो चुका है, तो 14 एंड 12। अब वापस हम क्या कर लेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 अपॉन 21 और यहाँ क्या हो जाएगा 12 अपॉन 21। तो देखो हमें यहाँ पर निकालने हैं 3 नंबर्स, तो हम थोड़ा ध्यान दें, तो 12 अपॉन 21 एंड 14 अपॉन 21 में इनके बीच में केवल एक नंबर आ रहा है जो है 13 अपॉन 21, लेकिन हमें कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो हमने सबसे सरल तरीका देखा है यहाँ पर कि 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा 14 अपॉन 21 एंड 12 अपॉन 21, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया। तो 14 10 जा क्या हो चुका है 140 एंड 21 10 जा 210 हो चुका है, एंड सिमिलरली 12 10 जा 120 एंड 21 10 जा 210 हो चुका है। तो अब देखिए 140 एंड 120 के बीच में बहुत सारे नंबर है, तो टोटल 19 नंबर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो इनमें से कोई भी 3 नंबर्स यहाँ पर लिख लेंगे, जो मैं लिख चुका हूँ 121 अपॉन 210, 122 अपॉन 210, 123 अपॉन 210। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आर चैनल। थैंक यू।